प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गौर निताय पंचतत्व भगवान की पूरी दिव्य गुरु परंपरा की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
श्री गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ भक्तजन पीछे खड़े हैं, वैसे आगे जगह हो सकती है। ये हारमोनियम उठा दीजिए, ये लोग आगे सब आ जाएंगे। ओम अज्ञान तुमिरांधस्य ज्ञानांजन शुलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आज हम वैसे नित्य जब शनिवार का सत्संग होता है भगवद गीता पर चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर जैसे कोई उत्सव आ रहा है या कोई विशेष तिथि है तो उसका गुणगान करना उस पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और ऐसे इसका पालन करना है। तो अभी सबसे बड़ा त्यौहार हमारे सामने आ रहा है या आ गया है वो है चातुर्मास का। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चातुर्मास है, कुछ लोगों का देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है और कुछ वैष्णव में कैलेंडर में हमारे गुरु पूर्णिमा से यानी कि 3 जुलाई से है। इस गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है चतुर्मास। जिन्होंने एकादशी से किया है वो फिर कार्तिक की एकादशी तक रखते हैं। तो चतुर्मास क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। तो 4 महीनों का अंतराल है, श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, इसको चतुर्मास कहते हैं। लेकिन ये आषाढ़ की एकादशी से शुरू हो जाता है, आषाढ़ अभी टच कर रहा है। इस बार क्या है, चतुर्मास के बीच में एक पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। 4 और 1 5 हो गए। इस बार पंचमासी व्रत चलेगा। तो जो श्रावण मास है इस बार 2 श्रावण पड़ेंगे तो उसमें से 1 पुरुषोत्तम मास होगा। जो चतुर्मास होता है इसमें देवता और भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं। जब मकर संक्रांति हुई थी तो उस दौरान क्या हुआ था, सूर्यदेव उत्तरायण में जाते हैं
अभी सूर्यदेव दक्षिणायन चले जाते हैं, तब भी हमने चर्चा की थी जब सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन होता है, वो सुबह उठते हैं, उनका कार्य शुरू होता है। जब दक्षिणायन सूर्य होता है तो देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप लोग तो जानते ही होंगे इस चार महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य घर में जो भी होता है, मंगल कार्य, विवाह आदि जो भी सब होता है वो तो नहीं करते हैं। उसका नहीं करने का कारण यही है कि देवता लोगों की रात्रि है इस समय। तो जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, जब पूजा करते हैं, मान लो आप विवाह कर रहे हैं या किस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, देवताओं का आह्वान, गणपति जी की पूजा से ही शुरू होता है। तो इस समय पूजा नहीं हो सकती क्योंकि देवताओं का आह्वान हो नहीं सकता, वो आएंगे नहीं, उनके आए बिना संपन्न नहीं होगा कार्य। तो इस दौरान चार महीने कुछ नहीं करना होता है। चार महीने क्या करना होता है वो हम आज आपको बताएंगे। तो जो चतुर्मास में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, एक कल ही एक बच्चा कोई कह रहा था कि विष्णु भगवान चार महीने सोते हैं, इस बार तो उनको एक महीना ज्यादा मिल गया, पांच महीना सोएंगे। असल में क्या है, ये हमारे लिए जो पांच महीने हैं, चार महीने हैं, वो भगवान के लोक में क्षण का भी एक अंश है वो, क्योंकि समय का अनुपात बढ़ता जाता है ऊपर जाके। उनके लिए एक ही दिन है ये, जो हमारा एक साल है, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन, देवताओं के लिए एक ही दिन है। और ब्रह्मलोक में जाएंगे तो वो और कम हो जाएगा, वैसे ही ऊपर बढ़ते बढ़ते वैकुंठ गोलोक जाते जाते समय एक क्षण का भी कम होता है। तो भगवान ने बस जस्ट ऐसे एक क्षण मात्र के लिए योग निद्रा ली है, तो उसमें ये कार्य हो रहा है। भगवान का जो शयन है वो शयन नहीं होता है, इसको योग निद्रा बोलते हैं। हमारी तरह शयन नहीं होता है, हम जब सोते हैं हम पूरे तमोगुण में सोते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं हमें ये भी नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे बगल में कौन बैठा है। या कुछ देर के लिए आप कहिए कि हम अगर कहें सीधा सीधा कुछ आधा मृत्यु को प्राप्त जैसा ही इंसान है, जब उठता है तभी उसको सब पता लगता है। लेकिन भगवान की तमोगुण में व्याप्त नहीं होती, खासतौर से भगवान, वो तो योग निद्रा ले रहे हैं, वो सो भी रहे तो क्षण मात्र के लिए उनकी लीला चल रही है। उस समय सोए सोए विष्णु भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, उत्पत्ति संहार चल रहा है। सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों के भीतर समा जाते हैं, और उन्होंने सांस बाहर छोड़ी तो उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड जैसे बुलबुले पानी के ऐसे फव्वारे की तरह ऐसे निकलते हैं। तो भगवान का शयन और हमारे शयन में बहुत बड़ा अंतर है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नया व्यक्ति सोचता है अरे ठाकुर जी चार महीना सो रहे हैं, सो नहीं रहे ठाकुर जी, कुछ क्षणों का एक अंश मात्र समय है, वो उसमें भी वो सृष्टि का कार्य चल रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और सब कर रहे हैं। शेष की सेज पे सोई के जो प्रभु, नींद में सृष्टि का भार उठाए, शेष महेश गणेश दिनेश, ध्यान भरे पर पार न पावे। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, शेष की सेज पर सो गए, नींद में सृष्टि का भार चला रहे हैं, हमें तो उठ के सारा कार्य करना होता है। तो भगवान जो नारायण है, इस समय भगवान का जो शयन है, जो योग निद्रा है, वो हम सब जीवों को जगाने के लिए होता है। कैसे, जब भगवान शयन पर जाते हैं उस दौरान सारे कार्य, जितने भी आपके पारिवारिक सामाजिक जो भी कर्तव्य दायित्व हैं, उनको सबको एक बार को रोक देना होता है, या कहो बहुत अगर आपातकाल भी है तो बहुत मिनिमम। लेकिन शास्त्रों में तो जब देखेंगे उदाहरण तो सब जगह रोक देने का है। जब भगवान श्री राम वनवास में थे उस समय कितना आपातकाल स्थिति थी, देवी सीता को रावण हरण करके ले गया, भगवान राम खोज में निकले हैं, इससे बड़ी आपात स्थिति कोई हो सकती है, इनकी पत्नी को कोई चुरा के ले गया और पता लगाना है। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि लक्ष्मण अब चौमासा आ गया है, अब हम एक जगह स्थित हो जाते हैं, चौमासे के बाद ये कार्य शुरू करेंगे सीता की खोज का। इतना महत्वपूर्ण कार्य को भी रोक दिया, तो हमें क्यों, शिक्षा देने के लिए। हमें भी इस समय जो अपने कार्यों के लिए हम
8 महीने लगे थे उन कार्यों को थोड़े समय के लिए बहुत जितना कम कर सके, रोकना तो कहना असंभव है, तो जितना उसमें से काट के समय इधर ज्यादा दें भगवान की तरफ। हमें जगाने के लिए भगवान सोते हैं, हमें इस 4 महीने में साधना करनी होती है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, हरि भक्ति विलास में और हमारे जितने ऋषि मुनि हैं सब ने ये बताया है कि चतुर्मास में और पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, कार्तिक भी इसके अंदर ही आ जाता है, चतुर्मास पुरुषोत्तम मास भी इसके अंदर ही आ जाता है। ये जो महीने होते हैं ये ऐसे होते हैं कि हम जैसे भक्ति कर रहे हैं 12 महीने, हमारे जो भक्ति में बहुत ढिलाई आ गई है, हम बहुत कमजोर हैं भक्ति में, तो इन 4 महीनों में जो भी साधन करते हैं उसका कई गुना फल बढ़ के मिलता है। तो हम भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, तो साधन भक्ति में जो कर रहे थे उसमें बहुत कुछ बढ़ा देना है और कुछ उसमें ऐड करके बढ़िया से हमारा फोकस केवल भगवान में होना चाहिए। इस दौरान श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कथा आती है, जब श्रीला वेदव्यास जी ने कई पुराण लिखे, पुराणों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, वेदों, फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी, तो उन्होंने अपने गुरु देवर्षि नारद को कहा कि गुरुदेव क्या कारण है, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि जब तक तुम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। उन्होंने अपना उदाहरण दिया, देवर्षि नारद ने कहा मैं पहले क्या था, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, दासी का पुत्र था, मेरी माँ थी और मैं, हम दोनों रहते थे, बहुत गरीब थे हम। तो उस दौरान क्या हुआ, पहले ऐसा होता था पूर्व काल में साधु संत जो है विचरण करते रहते थे जीवों के कल्याण के लिए, उनको परिवार जिताचार्य कहा जाता है, रुकते नहीं एक जगह, चलते रहो चलते रहो, बहता पानी और चलता साधु पवित्र रहता है, एक जगह नहीं रुके, किसी से आसक्ति नहीं हो जाए, और चलता रहेगा साधु तो जहां जहां जाएगा सबका कल्याण करता जाएगा, इसलिए साधु को भ्रमणशील कहा गया है। तो पहले ऐसा नहीं होता, साधु लोग पैदल यात्राएं करते थे, कोई वाहन की सुविधा नहीं होती थी, तो जहां जिस दौरान उनका पड़ाव पड़ गया तो वहीं रात बितानी, अगले दिन फिर चल देना। तो ऐसा ही करते हुए एक बार एक साधुओं की मंडली, बहुत सारे साधु संत यात्रा पर जब चल रहे थे तो चौमासा आ गया, यही चतुर्मास आ गया, तो देवर्षि नारद बताते हैं कि उस दौरान मतलब सौभाग्यवश चतुर्मास जब पड़ा तो साधु संतों की टोली हमारे घर पर पहुंची हुई थी, तो उन्होंने कहा तो चतुर्मास आ गया, अब हमें चलना नहीं चाहिए, एक 4 महीने एक ही जगह पर रुकना पड़ेगा। तो वो सारे साधु संत नारद जी के भाष, उनके जो झोपड़ी वहीं रह के ठहर गए। तो देवर्षि नारद बताते हैं कि वो सब साधु संत संकीर्तन अपना भजन कीर्तन करते, जैसे टेंट तंबू लगाते हैं ऐसे वो ठहरते। कहते मैं वहीं पर रहता, मेरी माँ साधु संतों के बर्तन मांजती, क्योंकि दासी थी तो वहाँ सेवा करती, तो मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं क्या करता था, उनके जो बर्तन मांजती माँ, तो बर्तन में से जूठन खा लेता था। तो साधु संत मुझे कहते थे कभी बच्चे जैसे छोटे बच्चे को काम बताते, हमारा लोटा ले आओ, हमारा जल ले आओ, हमारे ये कर दो, हमारे कपड़े रख दो, तो बच्चा साधु संतों के आसपास ही खेलते रहते थे। तो 4 महीने जब कथा करते कथा में बैठते, जब कीर्तन करते तो कीर्तन में भाग लेते, तो पता ही नहीं चला देवर्षि नारद को कि चतुर्मास के महीने साधु संत में व्यतीत हो गया। तो खुद देवर्षि नारद अपनी कथा सुना रहे हैं वेद व्यास जी को कि उसका परिणाम देख रहे हो तुम, इसका परिणाम ये हुआ 4 मास मैंने साधु संग किया तो आज मैं देवर्षि नारद के जगह पहुंच गया हूँ, एक दासी पुत्र से नारद पहुंच गया हूँ, इतनी उन्नति हो गई है। तो चतुर्मास में जो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस समय केवल हमारे एक ही लक्ष्य होना चाहिए कैसे हमारी भक्ति बढ़े, और 24 घंटे के हमारे समय को ऐसे बांध लें कि जो हमारे भगवान से संपर्क रहे हर समय किसी ना किसी माध्यम से, कभी श्रवण से, कभी कीर्तन से, कभी शास्त्र अध्ययन से, कभी सेवा से, तो हर जगह भगवान कृष्ण से हमारा कनेक्शन रहे, ऐसा चतुर्मास बीतना चाहिए। जब हम इस तरह चतुर्मास बिताते हैं तो 5वां जब
महीना आएगा जब चतुर्मास खत्म होगा, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे कि आपको अच्छा लगा कि हमने जो किया था उसका फल मिल रहा है। तो आज भी लोग क्या करते हैं, साधु संत लोग तीर्थ में वास करते हैं चतुर्मास में। और एक दूसरी कथा और आती है चतुर्मास के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु, वो जब हमारे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, उससे पहले क्या था, महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे यात्रा में, तो महाप्रभु भी संन्यास लेके भ्रमण पर चले गए थे। तो जब चतुर्मास पड़ा तो सबको ये पता होता था कि साधु जब चल रहा है चतुर्मास, जहाँ पड़ेगा वहीं रुक जाएगा। उस दौरान महाप्रभु दक्षिण भारत में थे जब चतुर्मास पड़ा, तो वहाँ दक्षिण भारत के एक साधु थे वेंकट भट्ट जी, गृहस्थ थे, राम जी के भक्त थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा कि ये सन्यासी है, तो बड़ा दिव्य तेजस्वी सन्यासी लग रहे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करी, वो बड़े श्रद्धा रखते थे वैष्णवों के प्रति, कि आप चतुर्मास में भ्रमण तो करेंगे नहीं, तो कृपा करके आप जो 4 महीने आपने बिताने मेरे घर पर बिताइए, हमें साधु सेवा का अवसर दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वेंकट भट्ट जी के घर में चतुर्मास बिताया। तो वेंकट भट्ट जी के जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, उसका नाम था गोपाल, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा देवर्षि नारद के साथ हुआ। महाप्रभु इतने सुंदर आकर्षक भगवान है, उनका स्वभाव इतना मधुर, तो ये छोटे जो गोपाल थे ये महाप्रभु के साथ साथ रहते, जब कीर्तन करते उनके पास बैठ जाते, जब वो प्रसाद खाते उनके पास बैठते, कुछ काम कुछ सेवा करते, अपने बच्चा जितना कर सकता है। तो महाप्रभु की 4 महीने उन्होंने इतनी सेवा की तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। तो वही छोटा बच्चा गोपाल केवल चतुर्मास में भगवान का संग किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, हमारे जो षट गोस्वामियों में से एक हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो बने आगे चल के। तो वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने शालिग्राम की शिला से श्री राधा रमण जी को प्रकट कर दिया, ऐसी सामर्थ्य, कितनी बड़ी बात है भगवान की शिला। रात को शालिग्राम शिला थी, मन में इच्छा हुई कि यदि मेरे पास भी ठाकुर होते हाथ पैर वाले, तो मैं उनको कपड़े पहनाता, माला पहनाता, सुंदर लगते। मन में इच्छा आई तो भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, अगले दिन उठे तो देखा वही शालिग्राम जिसे राधा रमण जी बने हुए हैं। तो आज भी आपने वृंदावन में दर्शन किया होगा, कितने सुंदर, इतने से ठाकुर जी हैं, सबसे सुंदर हैं, क्योंकि वह स्वयं प्रकट हैं, किसी मूर्तिकार ने उनको बनाया नहीं है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी कृपा कहाँ हुई मूल में, चतुर्मास में साधु सम्मेलन। बहुत सारी ऐसे भक्तों के जीवन में चरित्र हैं जो साधु संत चतुर्मास का फायदा लेते हैं, हमारे सारे आचार्य भी इसका पालन करते थे। तो हम इससे ये शिक्षा लेते हैं कि इस चतुर्मास के दौरान हम भी कुछ ऐसे नियम लें जिससे हमारी भक्ति बढ़े और हम साधु संत सत्संग और शास्त्र अध्ययन भागवतम वगैरह ये सब चीज पढ़ें। तो कुछ कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे जिसमें से आप यथा संभव जितना पालन कर सकते हो तो आप लोग पालन करिएगा। और देखो चतुर्मास अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है, उस दिन गुरुदेव का पूजन करके, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं आगे, कार्तिक मास तक लगातार त्यौहार होंगे हमारे, जो संसार के मांगलिक कार्य वो बंद हो जाते हैं लेकिन हमारे आध्यात्मिक त्यौहार शुरू हो जाते हैं। जन्माष्टमी राधाष्टमी से लेके झूलन यात्रा, कार्तिक में तो लगातार दीपावली बलराम जयंती, कितना कुछ आ रहा है, अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान जो एकादशी होती है इनका भी बड़ा महात्म्य है, क्योंकि ये एकादशी हर साल नहीं आती है, 2.5 साल बाद ही एकादशी आती है। तो इन एकादशियों को भी बड़ी निष्ठा से पालन करना चाहिए चतुर्मास के दौरान जरूरी है, जितना जिसका शारीरिक क्षमता है जो कर सकता है कोशिश तो करनी चाहिए। निर्जल नहीं कर सकते हैं तो सजल नहीं कर सकते हैं तो सफल करना चाहिए, सफल नहीं कर सकते हैं तो फिर तो पता ही है फलाहार जितना। तो मेन लक्ष्य है हमारा कृष्ण से जुड़ना, तो हमारा कृष्ण से संबंध हो ये फोकस रखना है, चाहे वो कम खा के हो रहा है या थोड़ा ज्यादा खा के, यदि शरीर साथ में थोड़ा खा के कर सकते हैं।
चतुर्मास में खास तौर से वैष्णव सेवा की बहुत महिमा है। तो यदि आपको कहीं ऐसा सौभाग्य मिले वैष्णवों की सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, तो ये जरूर लेना चाहिए। आपको कुछ पॉइंट्स अब हम बताएंगे जो शास्त्रों से बताए गए हैं। उसमें पहला, आप लोग कोई अगर कॉपी पेन लाए तो लिख भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले है धामवास। धामवास अर्थात किसी पवित्र स्थान में जाके वास करना चाहिए। वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ हो सके। लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। देखो, धाम की ऐसी महिमा होती है, जब हम वृंदावन धाम या किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ की जो रज है उसमें इतनी पावर होती है कि वहाँ जाते ही हमारी भक्ति चौगुनी बढ़ जाती है। हमारे अंदर उत्साह भक्ति करने का कई गुना बढ़ जाता है। लोग क्यों देखेंगे आज वृंदावन में इतनी भीड़ पड़ी हुई है, इतने अशांत लोग हैं, वो सब जगह से दुखी आते हैं, वृंदावन आके हंसते ही रहते, नाचते ही रहते, बस सेल्फी लेते रहते, इतने खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि वो धाम की मिट्टी का, रज का ऐसा प्रभाव है, सब प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ, और हमारी जो भक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। पद्म पुराण में कथा आती है, भक्ति महारानी जिनके दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी सब जगह गई, गुजरात से लेके, कर्नाटक से लेके, सब जगह गई, लेकिन जैसे ब्रज में प्रवेश किया वो जवान हो गई। तो देवर्षि नारद को कहती है भक्ति महारानी कि ब्रज में आते ही मैं युवा हो गई हूँ। ब्रज की माटी का ऐसा प्रभाव है, जो हमारे हृदय में वही भक्ति महारानी की जो हम सब भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे हृदय की भी जो भक्ति बूढ़ी हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, तो अगर महीने में एक चक्कर लग जाए, अगर बार बार नहीं जा सकते हैं, तो वो जवान हो जाती है दो महीने में, चार महीने में। क्योंकि धाम की जो रज है उसको मस्तक पर लगाना चाहिए। उद्धव जी तक कहते हैं कि वृंदावन की रज मुझे मिले, मैं वहाँ का पेड़ पौधा लता बन जाऊँ, ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी तक कहते हैं कि अहो भाग्य, अहो भाग्य, नंद और ब्रज कुमारियों का कितना सौभाग्य है कि इस माटी पर जहाँ नंद नंदन जो परम ब्रह्म है वो खेल रहा है और उसमें ये लोग रह रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, धाम जाना चाहिए, अगर हर महीने जा सके और अच्छी बात है, नहीं तो कार्तिक में तो जाना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर वृंदावन की रज लेके अपने मस्तक पर लगाने चाहिए नित्य प्रति, उससे भी हमारा भगवान राधा रानी कृपा करती हैं। और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। आप सब लोग तो जो जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हो सकता है उठते होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं भी उठते हैं। हम सबको इन चार महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो होता है जब सूर्योदय हो रहा है उससे डेढ़ घंटे पहले का समय, उस समय सोना नहीं है। जब सूर्य उग रहे हैं, हम सोए हुए हैं, तो हमारा सौभाग्य, हमारी लक्ष्मी, हमारे बुद्धि, सब कुछ क्षीण हो जाता है। तो सूर्यदेव आ रहे हैं तो उससे पहले हमें खड़ा हो जाना चाहिए। जब कोई बड़ा आता है तो हम कैसे आसन से खड़े होते हैं, सूर्यदेव इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने आ रहे हैं और हम बिस्तर के अंदर पड़े हैं, तो कैसे हमें सौभाग्य मिलेगा। हम चाहते हैं हम सबसे ज़्यादा लक्की बने, हम सौभाग्यशाली, तो हमें सूर्योदय से पहले उठना है। देखो, जो देवता होते हैं कितने नियम अनुशासन में रहते हैं, आज तक कभी सूर्यदेव ने लेट नहीं किया उठने में या निकलने में, अपने नियम से आते हैं। लेकिन हम मनुष्य इतने लापरवाही कर देते हैं कि सूर्योदय होता है तो भी हम उठते नहीं है कई बार। तो जो भी साधक चाह रहे हैं, इन चार महीनों में, पाँच महीने पुरुषोत्तम मास मिला के हमें सूर्योदय से पहले उठ के मंगल आरती करनी है। जो आसपास है यहाँ के वो मंदिर आ सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ पर मंगल आरती जरूर कीजिए। मंगला, हमारे गुरु जी कहते हैं जो करेगा मंगला कभी नहीं होगा कंगला। तो मंगल आरती करिए और हरि नाम जप सुबह सुबह। जो सुबह सुबह हम जप करते हैं उस समय हमारा भगवान से संपर्क जल्दी स्थापित होता है। जैसे दिन भर क्या होता है, किसी का फोन बिजी रहता है, कोई बड़ा ऑफिसर है, दिन भर वो कार्यों में व्यस्त रहता है, ऑफिस के फोन बिजी आता है, नेटवर्क। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, आदमी
रिलैक्स होता है, उस समय वो खाली होता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी भी दिन में व्यस्त हो जाते हैं, सुबह सुबह उनको याद करना चाहिए। जब हरिनाम जप करते हैं तो हमारा भगवान से संपर्क हो जाता है। प्रभुपाद जी ने बोला है, जैसे कोई भौतिक जगत में रह रहा है, अगर उसने हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम जप शुरू किया, उसी समय तत्काल आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर चले जाता है। समय नहीं लगता कि ऐसे ऐसे जितनी देर आपने कीर्तन किया उतनी देर आप भौतिक में नहीं थे, आध्यात्मिक थे। क्योंकि जो भगवान का नाम है, रूप है, लीला कथा है, गुण है, ये सब क्या है? आध्यात्मिक है, भगवान के समान ही है, अभिन्न है। तो जब इनसे हम जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर भी वही सामर्थ्य, वही शक्ति आ जाती है। तो सबने सुबह उठ के जप करना है और मंगल आरती करना है। तीसरा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। एक श्लोक या जितना भी सामर्थ्य, अगर पढ़ नहीं सकता है कोई तो कथा आजकल तो ऑनलाइन आती है, भागवत कथा स्कॉन में 8:30 बजे हर जगह भागवत कथा होती है, हर सेंटर में तो लाइव आती भी है, आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन करना है। भागवतम में इतनी सामर्थ्य है कि जो हमारे जन्म जन्म के अभद्र हैं, अभद्र क्या होता है? दुर्भाग्य। और जो हमारे ऐसे पाप जो हमें भगवान की तरफ जाने में रोकते हैं, खींचते हैं, हमारे उत्साह को कम करते हैं, संसार की तरफ लगाते हैं, उनको कहते हैं अभद्र। भद्र माने क्या होता है? एक अच्छा इंसान, सभ्य। अभद्र माने असभ्य, जो हमारे काम के नहीं है। ऐसे जो कर्म हैं उनको श्रीमद् भागवतम नाश कर देता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु मतलब मोस्टली 90% खत्म, सारे प्रायः खत्म हो जाते हैं जो डेली भागवतम पढ़ता है। ये पढ़ नहीं सकते, श्रवण करना चाहिए जो, तो हमें भागवतम का संपर्क जरूर करना है। और दीपदान कर सकते हैं आप ठाकुर जी को, तुलसी माता को, और भगवान के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। दीपदान की बड़ी महिमा है। कार्तिक में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन चतुर्मास में भी करना चाहिए। और आगे जो श्रीमद् भागवतम में स्तुति है, उन स्तुतियों को गाना चाहिए। भगवान के सामने कुछ भजन गाना है, कुछ स्तुति गानी है डेली अपने ठाकुर जी को, जिनके भी आप सेवा करते हैं या किसी मंदिर में सेंटर में जाके। मान लो आसपास के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके भगवान के सामने बैठ के एक भजन सुनाने का नियम रख लीजिए कि भागवतम से कुछ हम एक स्तुति सुनाएंगे ठाकुर जी को। भगवान को सुनना बहुत अच्छा लगता है। और भागवतम में जो स्तुति है सब भक्तों के द्वारा गाई है। प्रारंभ है कुंती स्तुति से, फिर भीष्मदेव की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, अक्रूर जी की स्तुति है, वृत्रासुर की स्तुति है। स्तुतियों से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। तो उनके द्वारा कही जो है उनको हमें कहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें भक्तों की कृपा तो मिलती है जिनकी स्तुति कह रहे हैं, प्लस भगवान की भी मिल जाती है। तो जिन भक्तों के द्वारा गाई स्तुति, हम भीष्मदेव की स्तुति गाएंगे तो भीष्मदेव भी प्रसन्न होंगे। वो 12 महाजनों में से एक हैं, वो भी हम पर कृपा करेंगे और भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे। तो हमें ठाकुर जी को कुछ भी या एक वैष्णव भजन सुनाना चाहिए वैष्णवों के द्वारा गाए हुए। फिर आपकी जितनी सामर्थ्य जो आप गा सकते हैं भगवान को कुछ ना कुछ जरूर सुनाना चाहिए। अभी आप लोगों ने पीछे जो एकादशी महात्म में सुना होगा, एकादशी महात्म्य आ रहा था देव शयनी के, कि जो नित्य प्रति ठाकुर जी को गाकर कुछ सुनाता है तो उसको गंधर्व लोक में सम्मान मिलता है। उसकी महिमा थी एकादशी की। लेकिन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है तो उसको गंधर्व लोक से भी ऊपर, कई लोग ऊपर, वो भगवान के गोलोक में जाता है। तो हमारा अगर भगवान को खुश करने के लिए, ठाकुर जी को सुनाने की भावना होगी तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तुलसी महारानी की सेवा, तुलसी महारानी भक्ति देने वाली हैं। कहते ना, मोरे यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयन हेरि बि सदा युगल रूप रासी, आई निवेदन करो सखी अनुगत करो। तुलसी महारानी से हम जो सुबह तुलसी आरती गाते हैं, कितनी अच्छी प्रार्थना है, वो भगवान की सेवा में हमारा प्रवेश करा देती हैं। तुलसी महारानी कृपा करेंगी तो ठाकुर जी के वहाँ पहुँचना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तुलसी जी को दीप दिखाना है, उनको जल अर्पण, प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। वो तो चतुर्मास हो या फिर 12 मास, तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र हो गए, परिक्रमा करनी चाहिए तुलसी जी की, और तुलसी रोपण भी करते हैं इस दौरान चतुर्मास में।
क्योंकि भूमि पर शयन करते हैं, ये तो आपकी क्षमता है। जैसा किसी के शरीर स्वस्थ नहीं है तो फर्श पर ना सोए, अगर ठीक लगता है, क्योंकि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं तो भक्त लोग कहते हैं हम पलंग पर नहीं सोएंगे, भूमि पर शयन करेंगे, तो भूमि शयन भी करते हैं। और किसी भी प्रकार के जो हम झूठ बोलना, निंदा करना, खास तौर से किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो उस दौरान ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध, वैष्णव की सेवा जितने जल्दी हमें इतने ऊपर पहुंचा देती है रॉकेट की तरह, उतने ही जल्दी वैष्णव अपराध हमें नीचे भी गिरा देता है। तो इस चीज़ में बहुत सावधान रहना है कि सब भक्तों को, वैष्णव के सबके प्रति हम आदर भाव रखें। अपराध तब बनता है जब हम सोचते हैं कि हम भी कुछ हैं, जब हम सोचेंगे वैष्णव बहुत महान है, मैं कुछ नहीं, अपने में नम्रता का भाव रखेंगे तो फिर हमसे अपराध नहीं होगा। वैष्णव अपराध से बचते हुए हम नाम जप करेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी इन चार महीनों में चार चीज़ें त्याग करने के लिए बताया गया है। ये चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं बताते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है तो इस दौरान ये खाना नहीं चाहिए। सबसे पहले हरा साग बंद हो गया, कुछ लोगों ने एकादशी से बंद कर दिया, कुछ गुरु पूर्णिमा से, तो हरी पत्ते वाली सब्जियां बंद। उसके बाद फिर एक महीना दही बंद, फिर उसके बाद एक महीने के लिए दूध बंद, फिर उसके बाद एक महीना उड़द की दाल बंद हो जाती है। तो उससे बनी मिठाई पिन्नी वगैरह कुछ भी नहीं खानी उस समय। क्या होता है, दिवाली होती है तो नियम भंग हो जाता है कई लोगों का, तो ध्यान रखना है कि दिवाली की मिठाई में से उड़द की दाल वाली मिठाई नहीं खानी है। तो ये सब नियम पालन करने हैं, और फिर जितना हम कर सकते हैं अभी हमें संकल्प रख लेना चाहिए, चार महीने हम खूब भगवान का स्मरण करेंगे। और कुछ नियम ऐसा कि हम जो जप कर रहे हैं हम भगवान के नाम में एकाग्र होकर नाम को सुनते हुए जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम क्या है, हमारे कान से जब हृदय में जाता है तो वहाँ की सारी मैल धो देता है, जैसे साबुन से कपड़े धुलते हैं ना साबुन और पानी से, तो हमारा हृदय जो है अशुद्ध हो गया है, इसको हरिनाम शुद्ध करेगा। तो हरिनाम जो है अंदर खाते में डालते रहना है, कान के द्वारा निरंतर हरिनाम करना है। तो जब सारे बड़े बड़े आचार्यों ने सब ने ये पालन किए नियम, तो हमें भी इसका प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से लेके हमारे षट गोस्वामी, देवर्षि नारद सब उदाहरण है। भगवान श्री राम जो स्वयं, उन्होंने भी चतुर्मास में सारे काम बंद कर दिए, तो हमें भी सारे काम इस समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देना है और काम में से समय को हटा देना है। तो और इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न हो इसको यहीं हम समाप्त करते हैं। आज कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, पिछली बार बहुत भक्तों के प्रश्न थे। हाँ जी हाँ जी, अभी से करें तो बहुत अच्छा है, कार्तिक में तो कम करना ही करना है। हाँ चतुर्मास में भी कर सकते हैं, हाँ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। पुरुषोत्तम मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है, भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। उस समय जो कुछ भी करता है भगवान ने बोला है मेरे समान है वो, पुरुषोत्तम मास समझो भगवान कृष्ण का मास है। तो जो भी मनोकामना रखते हैं भगवान की भक्ति मानते हैं तुरंत दे देता है पुरुषोत्तम मास। 15 दिन बाद ही पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो मैं जैसे भी सुबह 4 या 5 मोस्टली हो रहा हूँ, शाम को देखिए आप सो नहीं रहे ना, ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं है, आप कार्य में तो लगे हैं। तो उसका ये रास्ता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मुंह से करिए, आप माला रहने दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, एक पंथ दो काज। काम तो हाथ चाहिए ना, भगवान को मन चाहिए, आप मुंह से नाम जप करते रहिए और कार्य करिए, जो आपकी जो संख्या रखी है फिक्स 16 32 जो भी, वो शाम को आके कर दीजिए।
अब आपका कार्य, वैसे ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, हमारा मन बहुत एकाग्र होता है, समय होता है, सुबह सतोगुण होता है, दिन में रजोगुण होता है, शाम को तमोगुण। तो सतोगुण में क्या होता है, सत्विक कार्य जो करते हैं, भगवान की पूजा पाठ जप आदि, उसमें मन बहुत जल्दी लग जाता है। तमोगुण में थोड़ा कठिनाई है, क्या दिन भर आप जो स्ट्रेस में होंगे, सारा दिन काम किया, आप जप करने बैठेंगे, बार बार माइंड में वो सब बातें आएंगी। इसलिए सुबह बेस्ट है। अब आपकी परिस्थिति ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। माता जी मेरा एक प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम माह कितने दिन का होगा, कब से स्टार्ट होगा? पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है 16 अगस्त तक, एक महीने का ही होता है, नॉर्मल जैसे महीना होता है 30-35 दिन का। इस बार 5 मास, इसीलिए हमने बोला 5 मास ही हुआ है। ये हर 2.5 साल बाद आता है, यानी कि तीसरे साल में आ जाता है पुरुषोत्तम मास। हाँ, अधिक मास, क्योंकि 12 से अधिक आ गया तो उसको अधिक मास कहते हैं। जी, दीपदान देखो बढ़िया तो होता है कि देसी गाय का घी हो, वो नहीं है तो हम घी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये मिलना बहुत कठिन है। फिर आप लोग बाजार का घी यूज करेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा मिलावट है, तो इसलिए तिल का तेल सर्वोत्तम है, तिल के तेल में कर सकते हैं। अगर पास में मंदिर है, आपको ये अच्छा लगता है कि आसान है, तो मंदिर आके कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर के जो ठाकुर जी जिनको आप भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उनको अर्पित कीजिए। ठाकुर जी सब एक ही हैं। आप सब लोग एक बार बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गुरु श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। आज का जो प्रसादम की सेवा है माता जी ने की है, विनीता पांडे माता जी ने। माता जी कौन सी, अगर दोनों हाथ करे सब दर्शन कर लेंगे। नहीं आई है, अच्छा। विनीता पांडे माता जी का हम धन्यवाद करते हैं, इनकी माता जी है। अच्छा अच्छा, माता जी की। तो उन सब के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा की है, वैष्णव सेवा का इतना महत्व, इन सबको भोजन करा रही है, तो ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं, उनके संकीर्तन का भंडारा स्पॉन्सर किया है। तो सब बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।